ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं वीडियो एडिटिंग को लेके, जिसमें कि गाइस आप लोग जैसा मतलब कि आपको कलर टोन पसंद होगा ना, आप वैसा कलर टोन आप जो है अपनी वीडियो में डाल सकते हो। बाकी आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट गाइस आज की रियलिटी यही है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि आप एक क्लिक में जैसा आप टोन चाहते हो वैसा आप टोन कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो में। गाइस मैं फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो की बात कर रहा हूँ, जिसमें गाइस आप सभी को पता होगा कि गाइस एक वीडियो में कलर टोन ना मिलने के लिए हमें कितनी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है, जब जाकर हम वो टोन जो है अपनी वीडियो में डाल पाते हैं। एंड गाइस कई बार तो ये होता है कि हम वो टोन नहीं डाल पाते हैं, मतलब कि वो फील नहीं आता हमें कि हमें जो वीडियो में चाहिए होता है टोन वो हमें नहीं मिलता है। बट गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे गाइस आप लोग एक क्लिक में जैसा आप टोन चाहते हो वैसा आप डाल पाओगे। बस आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को जो है उसका प्रीसेट आपके पास होना चाहिए। प्रीसेट से मतलब है मेरा जो आप अपनी फोटो में यूज करते हो। एंड गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि आप जैसे मतलब कि जैसे बड़े बड़े एडिटर जैसे कि एनएसबी पिक्चर तोकेर एडिट, ऐसे जो बड़े बड़े एडिटर हैं इनके आप प्रीसेट यूज करते होंगे अपनी फोटो में। एंड उनमें से आप कई टोन आपको होगा कि कैसे हम लोग जो है ये टोन अपनी वीडियो में भी डाल पाते तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप वही टोन अपनी वीडियो में कैसे डाल सकते हो। एंड अगर आपको वो टोन कोई अलग टोन भी अगर होगा तो अगर आपको वो चाहिए होगा तो वो भी आप डाल पाओगे। बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना जिससे गाइस आप लोग इजी स्टेप में समझ पाओ कि आपको कैसे मतलब कि क्या सेटिंग रखनी है एंड आपको कैसे जो फिल्टर को अप्लाई करना है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? एंड बाकी चलिए आज की इस नए वीडियो को हम जो है बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस टोन को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को करना है क्या, गाइस पहले तो आप लोगों कोई भी प्रीसेट जो है आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? जो भी एडिटर का आपको जो भी प्रीसेट पसंद आया आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? सिंपली देन उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको उसको उस प्रीसेट को जो है आपको लाइटरूम ऐप में इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद आपको उसकी कॉपी सेटिंग कर लेनी सबकी। एंड आप सभी को ना एक फोटो का जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बस उसको डाउनलोड कर लेना, वो जो कि ये वाला फोटो है। बस आपको करना क्या है, आपको उसको ओपन करना है, जो आपने कॉपी सेटिंग किया उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको उसको जो थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है? जब उसको सेव कर लोगे तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है यहाँ पे ऑनलाइन लट क्रिएटर, ठीक है? यहाँ पे आपको सिंपली इसको सर्च कर लेना है। देन जैसे आप इसको सर्च करोगे आपको यहाँ पे पहली लिंक मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट अंदर आ जाओगे। उसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पे क्रिएट योर लट लिखा हुआ आएगा, ठीक है? आप सिंपली इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना। देन आप इस वाले पेज पे आ जाओगे एंड यहाँ पे जो आप लोगों को बोलेगा अपलोड एडिट पीएनजी, ठीक है? तो आप उस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से जो है फोटो को सिलेक्ट कर लेना जो आपने लाइटरूम में अभी सेव करी, ठीक है? उसको सेव करी वाली को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे आपको जो है जनरेट लट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे देन आपको जो है एक दूसरे पेज पे पहुंचा देगा, ठीक है? जैसे आप दूसरे पेज पे जाओगे आपको यहाँ पे सिंपली योर लट हेयर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन आप इस वाली इमेज पे पहुंच जाओगे। देन आपको जो यहाँ पे कुछ भी ऐसे टाइप कर देना है, ठीक है? कुछ भी टाइप कर देना। देन आपको यहाँ पे तीन वो मिलेंगे अपलोड करने के लिए इमेज, आपको तीनों में जो आपको जो आपने इमेज जो वहाँ पे अपलोड जो सेव की थी लाइटरूम ऐप आपको वही अप्लाई कर देना है इसमें, ठीक है? तीनों में कर देना है। एंड तीनों में जैसे आप कर दोगे तो आपको क्या करना है उसके बाद में बताता हूँ, पहले मैं कर देता हूँ अप्लाई। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आप यहाँ मेक श्योर के ऊपर क्लिक कर देना है एंड उसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको जो यहाँ पे एक आपका जो लट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। देन आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा एंड वो जो है आपकी फाइल में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है? देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना कोई भी ब्राउजर को मतलब ब्राउजर कह रहा हूँ सॉरी, जो भी आपका एडिटिंग का ऐप है ना जिसमें आप फिल्टर ऐड कर सकते हो वो वाला ऐप आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने VN एप्लीकेशन का यूज़ किया है। देन आपको जो आपके यहाँ पे कोई भी वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है पहले, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे आपको फिल्टर करके ऑप्शन मिलेगा। देन आप सभी को एक एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन आप जिस पे जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको माय फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है, इंपोर्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक करना है। देन ये आपको ले जाएगा आपकी फाइल में, ठीक है? जैसे आप फाइल में जाओगे आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे फाइल मैनेजर में जाना है एंड फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है? डाउनलोड वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, तो पहले मैं यहाँ से चलता हूँ यहाँ पे मतलब डाउनलोड वाले सेक्शन फिर बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाओगे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना नीचे की साइड में एंड आपको जो यहाँ पे लट है वो आपको दिख जाएगा कि आपको कौन सा लट यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है? आप यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढ लेना, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा जो है ना आपके उसमें ज़्यादा मटेरियल होगा ना तो मतलब खो जाएगा वो, मेरे में ज़्यादा मटेरियल है इसलिए थोड़ा ऊपर चला गया वो। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो मेरा जो ऑनलाइन पीएनजी ऑनलाइन लट क्रिएटर जो है ये फर्स्ट वाला, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली ये इंपोर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम बैक चलेंगे एंड गाइस उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फिल्टर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारा फिल्टर एकदम अप्लाई हो गया, मेरे को जो ये टोन चाहिए था ऑरेंज वाला देखिए मेरी यहाँ पे वीडियो में अप्लाई हो गया। जैसे गाइस मैं बता रहा था आपको कि मेरे को ये फोटो में चाहिए था बट मैं इसको मैं वीडियो में भी अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो ऐसे गाइस आप कोई भी टोन अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो में, जैसे मतलब कि आपको बस उसके पास आपके पास ना वो मतलब कि प्रीसेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास प्रीसेट है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ सबसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।